सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। कुछ दिनों में अधिक गति आई है। कल समुद्र सेतु मिशन के तहत INS जलाश मालदीव से कोची पहुंच चुका है। इसमें 698 यात्री थे जिनमें 105 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल थे। इसी क्रम में INS मगर मालदीव के माले बंदरगाह से लगभग 200 यात्रियों के साथ कल भारत के लिए रवाना हो चुका है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 10 मई तक 23 फ्लाइट्स द्वारा लगभग 4000 भारतीय जो विदेशों में फंसे हुए थे वापस भारत आए हैं। श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनों के माध्यम से अब तक 5 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है। अभी तक 468 विशेष ट्रेनें चल चुकी हैं जिनमें से कल 10 मई को 101 ट्रेनें चली थी। कल कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों एवं स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही में दी रही सहायता की भी समीक्षा की गई। बीसी में और उसके पश्चात गृह मंत्रालय ने पत्र द्वारा राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी हालात में प्रवासी श्रमिक सड़क और रेलवे पटरियों का सहारा ना लें। यदि ये सड़क या रेलवे पटरियों पर पैदल यात्रा करते हुए पाए जाते हैं तो उनके लिए बस या ट्रेन द्वारा यात्रा की व्यवस्था करने की चेष्टा की जाए। तब तक उनकी नज़दीकी शेल्टर होम में रहने की और उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। राज्य सरकारें रेलवे को अपना सहयोग दें ताकि रेलवे अधिक से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला पाए और प्रवासी श्रमिक सुचारू रूप से अपने घर वापस जा सके। आज सुबह गृह मंत्रालय ने रेलवे और राज्य सरकारों के नोडल ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा स्पेशल ट्रेनों की समीक्षा की ताकि फंसे हुए लोग जल्द से जल्द अपने घर वापस आ सके। इस बात पर जोर दिया गया कि अगले कुछ हफ्तों तक रोज़ कम से कम 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाए जिससे श्रमिकों को वापस घर आने में कोई समस्या नहीं आए। भारतीय रेल 12 मई से चरणबद्ध तरीके से पैसेंजर ट्रेन्स का परिचालन फिर से आरंभ कर रही है। ये ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन्स के रूप में 15 डेस्टिनेशंस के लिए चलेगी। गृह मंत्रालय ने आज आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत ट्रेन द्वारा लोगों की आवाजाही के संदर्भ में SOP जारी की है जिसके तहत ट्रेन्स के शेड्यूल, टिकट्स की बुकिंग एवं लोगों की आवाजाही से संबंधित प्रक्रिया इत्यादि के बारे में रेलवेज व्यापक प्रचार करेगी। कन्फर्म्ड ई टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कन्फर्म्ड ई टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है। उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और केवल एसिम्प्टोमैटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। पैसेंजर्स को हर समय फेस मास्क या फेस कवर पहनना होगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचने पर यात्री को राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा। कैबिनेट सेक्रेटरी ने कल की वीडियो कॉन्फ्रेंस में राज्यों में डॉक्टरों, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने पर भी चर्चा की। तदोपरांत गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को पत्र लिखा है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटेशन पर्सोनेल तथा एम्बुलेंस की बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करें और उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम
और लैब्स को सुचारू रूप से खोलने के लिए सभी ठोस कदम उठाएं। हमारी सभी से यह अपील है कि वे धैर्य बनाए रखें। हमारा अनुरोध है कि इन सभी प्रयासों में अपना सहयोग दें और लोगों को इन सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें, फैलाएं, उनको जागरूक करें। धन्यवाद।